हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर रूट टू को इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं, अपन ने ये देखा था। ठीक है, और एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा उस प्राइम नंबर से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आज अपन एक और इसको तुम जीरो की तरह कर सकते हो, लेकिन है ही क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट रूट पी इज इरेशनल। ठीक है, वेयर पी इज प्राइम। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। यानी जैसे कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन। ठीक है, दूसरे नंबर का कंफर्म नहीं बोल सकते अपन। जैसे रूट फोर प्राइम नहीं होता, तो रूट फोर इरेशनल ही होता है, क्योंकि इसको टू ले सकते हो, लेकिन रूट सिक्स इरेशनल होता है। ठीक है, तो बाकी का नहीं पता, लेकिन प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो गारंटी क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, अपन इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से कल रूट टू को प्रूफ किया था वैसे अपन रूट थ्री को करेंगे। ठीक है, रूट टू को कैसे किया था अपन ने? अपन बोलेंगे लेट रूट पी इज इरेशनल, सॉरी रेशनल, लेट रूट पी इज रेशनल। तो रूट पी को मैं कह सकता हूँ पी बाई क्यू लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले से पी दिए तो इसका मैं कह ले रहा हूँ ए बाई बी ले रहा हूँ। ठीक है, अब जहाँ पे ए और बी क्या है, ए बी क्या है? को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्या आ जाए, नहीं तो लास्ट वाला वीडियो देखो, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, जो आपस में सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ए बाई बी हो गया। अब क्या करूँगा मैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा, तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर को इधर रखूंगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। बी इंटीजर है, ओपन इंटीजर, बी इंटीजर तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अगर बी का स्क्वायर एक इंटीजर है, मतलब कि ए स्क्वायर को पी परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, इसको इक्वेशन वन मानता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर ए स्क्वायर डिविजिबल पी है तो थ्योरम से अपन को पता है अगर किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। क्या है? ए इज आल्सो डिविजिबल बाय पी, इसको इक्वेशन टू मानता हूँ। ठीक है, और अगर ए पी से डिवाइड हो रहा होगा तो कुछ आंसर के आएगा। ठीक है, तो ए को क्या ले सकता हूँ मैं? पी के, समझना, ए को अगर पी से डिवाइड करो तो कुछ आंसर के आएगा, तो ए को क्या ले सकता हूँ? पी के। यहाँ पे के भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ठीक है, केस इंटीजर। ठीक है, अब के अगर इंटीजर है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बी स्क्वायर इक्वल, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा इक्वेशन वन में। ठीक है, पी के का होल स्क्वायर अपॉन पी, सो मैं पी एरिया पे पी के डाल दिया। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन पी, पी ने पी को मार दिया, तो बी स्क्वायर क्या हो गया? पी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय पी। ठीक है, अब क्योंकि के इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा, यानी बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? पी से। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, यानी कि बी भी क्या है? डिविजिबल बाय पी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है तो बी भी क्या होगा? पी से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा अपन ने क्या बोला था? ए और बी क्या है? को प्राइम है, मतलब वो दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन इक्वेशन टू क्या बोलती है? ए इज डिविजिबल बाय पी। इक्वेशन फोर क्या बोलती है? ए इज डिविजिबल बाय बी इज डिविजिबल बाय पी। ठीक है, तो अपना पहला स्टेटमेंट और अपना ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या लिखूंगा? ए कॉमा बी इज डिविजिबल बाय P from 2 and 4। ठीक है, तो
But our assumption was, that A and B are co-prime. हमने assumption किया था कि A और B क्या है co-prime, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? Which contradicts each other? Hence, root P is irrational. Because our assumption was wrong. ठीक है, समझ में आ गया? तो दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर का रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। समझ में आ गया कि? ठीक है, इसको अपन क्या बाद में थ्योरम की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो चलो आगे दो तीन देख के क्वेश्चन आउट कर देते हैं। क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट 2 प्लस 3 रूट 4 5 2 प्लस 3 रूट 5 इज अ रेशियो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सिंपल है, देखो करना है क्या? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं और रेशनल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो वो एक कंसेप्ट अपन लाया है। लेट 2 प्लस 3 रूट 5 इज रैशनल, अपन उसको उल्टा ले लेंगे, ठीक है? अब 2 प्लस 3 रूट 5 को क्या ले सकता हूँ मैं? पी वाई क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है? अब रूट 5 को अकेला कर दो, बाकी सबको इधर ले आओ एक एक करके, ठीक है? तो 3 रूट 5 इक्वल्स टू पी वाई क्यू माइनस 2, 3 रूट 5 इक्वल्स टू पी माइनस 2 क्यू अपॉन क्यू। एलसीएम ले लिया यहाँ पर, क्यू और वन का एलसीएम क्यू आएगा, टू क्यू हो जाएगा, थ्री नीचे से जाएगा, रूट फाइव इक्वल्स टू पी माइनस टू क्यू अपॉन क्यू, और यहाँ पे थ्री। तो भाई अगर तुम किसी इंटीजर को इंटीजर से माइनस करो तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। अगर किसी इंटीजर को इंटीजर से माइनस, तो ये इंटीजर तो ये इंटीजर है, ठीक है? तो अगर इंटीजर को इंटीजर से माइनस करोगे तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। कभी इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? आर एच एस क्या है? इज रैशनल। और एल एच एस क्या है? एल एच एस इज स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज इरेशनल। आरएचएस क्या है? रेशनल। और एलएचएस क्या है? रेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया? अपना अजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है? सो आवर अजम्पशन वाज, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है? हमारा अजम्पशन क्या था? रॉन्ग था, ठीक है? सो 2 प्लस 3 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है? 2 प्लस 3 रूट 5 इज इरेशनल, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक और टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? ये सिंपल, ठीक है? इसमें अपन ये मान के चलेंगे कि रूट 5 क्या है? इरेशनल, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन चार नंबर का आता है, अगर ये क्वेश्चन चार नंबर का आता है तो तुमको पहले रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? जो पहले मेथड किए थे अपन, उसके बाद फिर अपन यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है? तो मतलब अगर ये क्वेश्चन चार नंबर का आता है तो पहले इसको रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करो, उसके बाद अपन को वो करना है, ठीक है? क्लियर है? पर टच में, ठीक है? फिर ये अपन चालू करेंगे यहाँ से, पहले रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है? चार नंबर में आता है
अगर दो या तीन नंबर में आता तो इतना काफी होगा। क्लियर? एक और टाइप का क्वेश्चन है, एक और क्या होता है, प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। फिर से वही थोड़ा सा लंबा है, हल्का सा ज्यादा लिया, तो लेट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, तो रूट टू प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी और क्यू के इंटीजर वो प्राइम इंटीजर। ठीक है, अब क्या करो, रूट टू को यहाँ रहने, रूट थ्री को यहाँ पे रहने, बाकी को उधर पे, रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस रूट थ्री। अब कर दो दो साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो टू इक्वल्स टू पी माइनस क्यू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, टू तो अलग जाएगा, हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, माइनस टू इंटू पी बाई क्यू इंटू रूट थ्री दी जा रही। ठीक है, अब रूट थ्री को इधर अकेला छोड़, बाकी सबको इस तरफ लिया, समझ में? ठीक है, तो पहले इधर आ जाएगा टू माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस टू पी बाई क्यू रूट थ्री। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, टू को इधर ले आते हैं, टू पी बाई क्यू रूट थ्री इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू। ठीक है, तो टू पी बाई क्यू रूट थ्री इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टू पी बाई क्यू। ठीक है, क्यू ऊपर इंटू में होगा, टू पी नीचे जाएगा, तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन टू पी। एक स्क्वायर एक ही कट जाएगा, तो क्या लिखो इसको, रूट थ्री इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, स्क्वायर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर देता है, किसी दूसरे इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर देता है, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर देता है, अपॉन में भी इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर देता है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो तो क्या बताता है तुमको, रैशनल नंबर बताता है। ठीक है, तो आरएचएस क्या हो गया, रैशनल हो गया, और क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है तो एलएचएस क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, और रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं, मतलब अपना अजम्पशन क्या था, गलत था। ठीक है, नहीं तो अगर अजम्पशन सही होता तो इक्वल आता। ठीक है, तो अजम्पशन वाज बस रॉन्ग, अपना अजम्पशन क्या था, गलत था। ठीक है, हेंस यस रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, तो मैं अब तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज पूरी बन सकती है। ठीक है, इसको पूरा ट्राई करो, फर्स्ट चैप्टर क्लास एक्सरसाइज बची है, बस वो अपन आज शाम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।